मेरे से बहुत से पेशेंट्स और बहुत यंग बॉयज़ जो मिलते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि जी मैस्टरबेट कर लिया, कमजोरी फील कर रहे हैं, क्या खाएं। अभी जो आपने ये क्लिप देखी, ये डॉक्टर रिकमेंडेड फूड है, मतलब ऐसे फूड्स आपको बताऊंगा मैं आगे वीडियो में जिनको खा के आप अपनी एनर्जी को वापस ला सकते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि कैसे हम अपनी खोई हुई एनर्जी को वापस लाएं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि मास्टरबेशन करके जो आप एनर्जी को बाहर निकालते हैं, जो एनर्जी को आप खोते हैं, उससे लॉन्ग टर्म में आपको लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, साथ में मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, कुछ ऐसी खाने वाली चीजें बताऊंगा जो आपकी खोई एनर्जी वापस लेके आएगा। और ये जो सारी टिप्स होने वाली हैं, ये डॉक्टर रिकमेंडेड टिप्स होने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। सबसे पहले अपनी टिप पे आते हैं, अगर आप अपनी एनर्जी को वापस पाना चाहते हैं तो सुबह सुबह जब आप लोग सो के उठेंगे तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये आपको करना है, आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट एक्सरसाइज करनी है, जैसे हम कपालभाति करते हैं कुछ उसी तरह की एक्सरसाइज होती है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। क्या करना होता है, हमें गहरी सांस भरनी होती है जैसे ही हम सो के उठे, 10-15 मिनट बाद आपको ये करना है, गहरी सांस अंदर लेनी है, 5-10 सेकंड रुकना है, फिर इसको बाहर निकाल देना है। ऐसे ही आपको 10 से 15 बार करना है। उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, हल्के गुनगुने पानी, मतलब एक गिलास आप लोगों को हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसके साथ में आप लोगों को केवल 2 खजूर लेने हैं। खजूर अगर आप लोग गुनगुने पानी के साथ में सुबह सुबह लेते हो तो ये आपकी खोई हुई एनर्जी वापस लाता है, साथ में मास्टरबेशन के द्वारा हुई जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी दूर होती हैं। आपके शरीर को ग्रो करने के लिए, मसल्स को ग्रो करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद बात करते हैं अपनी टिप नंबर 2 की। देखो, आप सभी को एक बात मैं बता दूं, अगर आप कभी भी किसी भी टाइम किसी भी एज में अपनी खोई एनर्जी को वापस चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है डेली वर्कआउट। आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा वर्कआउट करो, 1-1 घंटे 2-2 घंटे वर्कआउट करो, केवल 30 मिनट अगर आप लोग रोज वर्कआउट करते हो थोड़ा बहुत, तो ये आपकी एनर्जी को वापस लाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और ये हर एक रिसर्च में पाया गया है कि वर्कआउट एक ऐसी चीज है जो हमारी मसल्स ग्रोथ के साथ में हमारे माइंड को डेवलप करता है। जब हमारा माइंड सही रहेगा, हमारा दिमाग तेज चलेगा, तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शन भी उसी हिसाब से सही से काम करेंगे। तो डेली वर्कआउट करना है, नॉर्मल वर्कआउट करोगे तो भी आप लोग का काम चलेगा। पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स, ये 3-4 वर्कआउट भी अगर आप लोग रोज करते हो 30 मिनट, तो आप लोग की मसल्स ग्रोथ होगी, आप लोग की खोई एनर्जी वापस आएगी। नेक्स्ट अपनी टिप की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिन्हें खा के हम अपनी एनर्जी को वापस ला सकते हैं, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज होती है जो सबसे तेजी से आपकी एनर्जी वापस लाती है। न्यूट्रिशियस डाइट लोगे तो आपकी एनर्जी जरूर वापस आएगी। अब क्या खाना है ये आप लोग खुद सुन लो डॉक्टर के मुंह से। मेरे से बहुत से पेशेंट्स और बहुत यंग बॉयज जो मिलते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि जी मैस्टरबेट कर लिया, कमजोरी फील कर रहे हैं, क्या खाएं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वैसे तो अगर आप शार करके नहा के सो जाएं आराम से और फ्रेश उठें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको खाना है तो आपको खाने वो खाने हैं जो जिंक में रिच हो, मतलब वाटरमेलन सीड्स, चॉकलेट, तिल, गुड़, एग योक, ये सब चीज़ें जिंक में रिच हैं। नंबर 2 आप ले सकते हैं वो चीज़ जो कॉपर में रिच हो, जैसे कि ये जो होते हैं नट्स, बादाम और किशमिश वगैरह, ये सब लीजिए। कुछ चीज़ें विटामिन सी वाले रिच, जैसे कि नींबू, आपका सनफ्लावर, चिकन ब्रेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी होती हैं विटामिन सी में। और पानी बहुत पीजिए। अगर आप वीक फील करते हैं तो पहचानिए, हो सकता है आपको नींद आ रही हो या स्ट्रेस से रिलीफ हो। ये सारे फूड्स आप लोग जैसे ही खाना शुरू करोगे आप देखोगे कि आपका स्पर्म काउंट बढ़ने लगेगा और आपके शरीर में वापस से जो एनर्जी खोई हुई है वो वापस से आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन यहां पे जरूरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपनी टिप की बात करते हैं कि अगर आप लोग ये जो फूड्स आपको बताए गए हैं ये आप लोग खा तो रहे हो लेकिन आपका डाइजेशन गड़बड़ है, मतलब आपकी बॉडी में वो फूड लग ही नहीं रहा है, तो आपको बेनिफिट कभी भी नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को अपने डाइजेशन को भी सही रखना बहुत जरूरी है। क्या करना, ये जितनी चीजें आपको बताई गई है जब भी आप लोग खाना, उसके बाद आप लोग पानी मत पीना कम से कम 1 घंटे। और जब आप लोग एक चीज खाने जा रहे हो ये सारे फूड, तो उसके 1 घंटे पहले भी आप लोग को पानी नहीं पीना है, तभी आप लोग के ये जो फूड्स हैं वो सही से डाइजेस्ट होंगे। और जब इनका डाइजेशन अच्छे से होगा तभी आपके शरीर में लगेंगे, आपकी खोई एनर्जी जो वाइटल एनर्जीज है आपकी बॉडी में वो पूरी तरह से वापस आ जाएगी और आप लोग की मसल ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह जब आप लोग सो के उठते हो तो मैंने आपको बताया गुनगुना पानी पियो,
गुनगुना पानी पीने से हमारा पेट क्लीन होता है, और जब हमारा पेट क्लीन होता है उसके बाद पूरे दिन भर में हम जो भी चीजें खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट होती है, जो हमारे शरीर में लगती है और हमारी खोई हुई एनर्जी को वापस लाने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। आप लोगों को मैंने बहुत सारे फूड्स बताए जो फूड्स खा के आप अपनी एनर्जी को, वाइटल एनर्जी को वापस ला सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेचुरल हर्ब्स होते हैं जैसे सफेद म्यूसली हो गई, अश्वगंधा हो गया, गोक्षुरा हो गया, शतावरी हो गई, ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी वाइटल एनर्जी को वापस लाने में सबसे ज्यादा मदद करती हैं। मतलब अगर आप लोगों ने इन आयुर्वेदिक हर्ब्स को खाना शुरू कर दिया तो आपकी वाइटल एनर्जी बहुत तेजी से वापस आती है और आप लोगों की बॉडी में एनर्जी भर जाती है। लेकिन होता क्या है कि हम खाने से, जो हम खाना खाते हैं उससे हम इन सारी चीजों को नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए हमें अलग से कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आप लोग इन सारे हर्ब्स को लेना चाहते हो तो आप लोग मेन श्योर का आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ आयुर्वेदिक कैप्सूल्स होती हैं जिसमें आप लोग को मुकुना प्यूरेंस मिलता है, सफेद म्यूसली, अश्वगंधा, गोक्षुरा, मतलब सारे वो हर्ब्स मिलते हैं जो आपकी वाइटल एनर्जी को वापस लाने में मदद करते हैं। और अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आज के टाइम में बहुत सारे मेल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो उस प्रॉब्लम को, आपकी मेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका स्पर्म काउंट कम हो रहा है या इस तरीके के कोई भी ऐसे इश्यूज हैं जिसमें आप लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है, तो वो सारी प्रॉब्लम को सही करने के लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज आप लोग के लिए हो सकती है। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक फॉर्मूला होता है, इसमें मुकुना प्यूरेंस होता है जो आप लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इंप्रूव करता है, उन्हें स्ट्रांग बनाता है जिससे आप लोगों का रिप्रोडक्शन अच्छे से हो सके। उसी के साथ में सफेद म्यूसली मिलती है जो कि एक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, जो करती क्या है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। अगर आप लोग का इम्यून स्ट्रांग रहेगा तो आप लोग की बॉडी में अपने आप ही एनर्जी आप लोग को फील होगी। उसी के साथ में इसमें अश्वगंधा मिलता है। अश्वगंधा आप सभी को पता है कि इंडिया में जो भी पहलवान होते हैं सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मसल्स ग्रोथ के लिए अच्छा है, आप लोगों को रिजुविनेशन के लिए बहुत अच्छा है, मेल में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो सीमेन है, उसको अच्छा करने में, इंप्रूव करने में, इंक्रीज करने में ये आप लोगों को हेल्प करता है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल करोगे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन का, जो कि मेन श्योर की तरफ से आता है, जो आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिशियल मिलने वाले हैं। मैं आप लोगों को मेन श्योर के आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन कैप्सूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। इसी के साथ में अगर आप लोग को और भी कोई कंसल्ट लेना है, आप लोग को सप्लीमेंट के बारे में कोई चीज जाननी है या किसी भी मेन श्योर के प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानना है या डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहते हो तो वो आप लोग फ्री में ले सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग फॉर्म को सबमिट कर दोगे तो आप लोग को आगे से कॉल आएगा जिसमें आप लोग डॉक्टर से फ्री में कंसल्ट ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप लोग कीगल वर्कआउट करते हो, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कीगल वर्कआउट के बारे में सुना ही नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग कीगल वर्कआउट करते हो तो आप लोग का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो आप लोग की वाइटल एनर्जीज है, वो सभी वापस आएंगी। कैसे करते हैं कीगल वर्कआउट? कुछ इस तरीके से हम कीगल वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं। इस पोजिशन में हमें लेट जाना होता है और अपने लेग्स को इस तरीके से करके अपनी जो पेल्विक बोन होती है उसको उठा के इस तरीके से मसल्स का उट हमें करना होता है, जिससे हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रांग बनता है, जो उसके अगल बगल की आगे पीछे की मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग बनती हैं, जिससे होता क्या है कि हमारी बॉडी स्ट्रांग रहती है, साथ में हमारा जो भी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पूरी तरह से स्ट्रांग बनता है, जिससे हमारी वाइटल एनर्जीज वापस आती है, हमारी खोई हुई एनर्जी वापस आती है। तो ये आप लोग को करना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग की एनर्जीज वापस आएंगी। उसके साथ में अपनी अगली टिप की मैं बात करता हूं। आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है, अगर अपनी वाइटल एनर्जीज को वापस लेना चाहते हो तो सुबह सुबह सो के उठते हो जब आप लोग, तो अगर आप लोग थोड़ी बहुत धूप ले सकते हो, हल्की फुल्की रनिंग कर सकते हो उस धूप में, तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। मतलब अगर ये वर्कआउट आप लोग करने लगते हो तो आप लोग की एनर्जी वापस तो आएगी ही, साथ में बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होगा जिससे बोन स्ट्रांग होगी, और जब आपकी बोन स्ट्रांग होगी तो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। साथ में क्या करो, रात में सोने जा रहे हो तो सोने से पहले अगर आप लोग हल्का फुल्का शावर ले सकते हो, या पैरों को धुल के सोते हो, अपने मुंह को, फेस को हल्का सा धुल के सोते हो,
तो आप लोग को नींद अच्छी आती है, जिससे आप लोग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग बनता है, आप लोग का माइंड स्ट्रांग बनता है, और आप लोग की जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सही होने लगती है, वाइटल एनर्जीज आप लोग को वापस से मिलने लगती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग को करना जरूरी है। उसी के साथ में ऐसे ही और भी वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो स्क्रीन पर देखो वीडियो दिख रहे होंगे, किसी भी वीडियो पर क्लिक करके यहीं से डायरेक्ट आप लोग वीडियो को देख सकते हैं।